को कर 8 तारीख को जंतर मंतर पर, 8 अगस्त जंतर मंतर पर एक फासिस्ट तंजीम है जिसने भारत बचाओ आंदोलन के नाम पर, देश हित के नाम पर मुल्क के एक मखसूस तबके को धमकियां दी और सरकार से मांग की कि 5 कानून जो है वो लागू किए जाए, 5 कानून मंजूर किए जाए। सरकार से मुतालबा करना हर शहरी हर नागरिक का हक है, आप मुतालबा कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो मुतालबे क्या थे और वो भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने उस वीडियो में उस मौके पर जंतर मंतर पर पहुंचने का आह्वान किया कि चलो जंतर मंतर देश हित में। आप सोचिए और सुनिए ये देश हित क्या है। ये अब वो नारे वो धमकियां सुनकर दंग रह जाएंगे। जिस तरह से हम ये कहेंगे बिल्कुल कि मुसलमानों को धमकी दी जा रही है, इस मुल्क की अकलियतों को धमकी दी जा रही है, ऐसी सी लघु बातें की गई, मैं आपको अपनी जबान से नहीं कहूंगा, आपको खुद सुनना होगा कि किस तरह के नारे लगाए गए, किस तरह की धमकी दी गई। और ये नारे ये धमकियां जंतर मंतर से दिल्ली में दिल्ली पुलिस के सामने, जिस पे आप पार्टी के जो विधायक है अमानतुल्ला खान, उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पे डाला है, फेसबुक पे डाला है। मैं अमानतुल्ला खान से भी साहब से भी कहना चाहूंगा कि आपके जो केजरीवाल है, सीएम है केजरीवाल, आप उनसे बात कीजिए कि केजरीवाल जी ये आपके दिल्ली में क्या हो रहा है, खुलेआम मुसलमान को धमकियां दी जा रही है, इस तरह से जहर उगला जा रहा है, क्या ये आपका देश हित है, ये आपका राष्ट्रवाद है। और ताज्जुब तो इस बात पे है कि जहां पर ये धमकियां दी जा रही थी उससे सिर्फ 3 किलोमीटर दूर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आवास है, पार्लियामेंट है वहां पर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कान बंद है, उनकी आंखें बंद है, इस दिल्ली सरकार की केजरीवाल की कान बंद है। जब इस मुल्क के मुसलमान अपने ऊपर हो रहे जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन पर फर्जी मुकदमा दायर कर दिया जाता है, उन्हें फौरन गिरफ्तार किया कर लिया जाता है, उनको ना जाने किन किन तंजीमों से जोड़ दिया जाता है। आप यहाँ एक खुलेआम एक खास तरीके के लोग, हम ये नहीं कहेंगे वो हिंदू है, वो हिंदू हो ही नहीं सकते, वो हिंदुओं के समर्थक भी नहीं है ना हिंदुओं के हमदर्द है, वो हिंदुओं के भी दुश्मन है, इस देश के दुश्मन है, क्योंकि हिंदुत्व का नाम तो लेते हैं लेकिन वो हिंदुत्ववादी नहीं हो सकते। आपको यकीनन अफसोस भी होगा, गुस्सा भी आएगा ये सुनकर। मैं उस वीडियो को सुनाने और दिखाने से पहले मुल्क के प्रधानमंत्री और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से हम ये मुतालबा करते हैं उनके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए, उनको जेल की शराबों के पीछे डाला जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताता हूं कि 5 कानून जो मुतालबा कर रहे हैं वो 5 कानून क्या है। आपको शायद हो सकता है जो वीडियो में जो बैनर है आप उस पर गौर करें, सारे कानून वहां लिखे हुए हैं। वो कानून है जनसंख्या निरंतरण कानून, वो कानून है समान शिक्षा, समान शिक्षा से किसको इनकार है, पूरा देश चाहता है समान शिक्षा हो। धर्मांतरण नियंत्रण कानून, समान नागरिक सहायता कानून, क्या आपको समान नागरिकता नहीं है, क्या आप कोई तीसरे दर्जे के शहरी हैं? अरे साहब आपको तो नागरिकों से ज्यादा छूट दी जा रही है, फिर किस समानता की बात करते हैं? समानता तो उनको नहीं मिल रही है जिनके खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ जुल्म हो रहा है, उन्हें ना करता गुनाहों की सजा दी जा रही है, समानता तो उनके साथ में नहीं है। और पांचवा है, गौर कीजिए आप,
घुसपैठ निरंतरण कानून। अब साहब घुसपैठ कहाँ से आ गई और घुसपैठ आ रहे कहाँ से आ रहे, इस पर किसी कानून की जरूरत नहीं है, इस पर मुल्क की सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त करने की जरूरत है। कानून हमारे यहाँ मौजूद है। बड़े ताज्जुब खेज मुतालबे हैं, पूरे देश को सोचना होगा, देश को समझना होगा, सरकारों को भी सोचना होगा, मरकजी सरकार को, रियासती सरकार को भी सोचना होगा। आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें इस देश की अमन और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का काम ये अनासिर, ये दहशतगर्द, ये दहशत पसंद कर रहे हैं। आइए देखते हैं।